بسم الله الرحمن الرحيم माशाल्लाह माशाल्लाह ताजा पानी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मेरे सब खेत से मैं हूँ मज़र हुसैन और मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज अपना विलेज देख रहे हैं दोस्तों। माशाल्लाह से सुबह सुबह का टाइम है और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी गंदम की कटाई शुरू हो रही है। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, अभी मैं उठा हूँ तो चलते हैं आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है माशाल्लाह से, सुबह सुबह मोटर भी चल रही है क्योंकि फसलों को पानी लगाना है। गन्ने की फसल को शुरू शुरू में पानी लगाना पड़ता है ना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो। मैं आगा मैं गया पेड़ चार लगे था, चौथा पेड़ नहीं आ गया त्रै साढ़े। हाँ जी मारका, अल्हम्दुलिल्लाह आज तू गंदम की कटाई शुरू करें दे पे साढ़े इलाके एक माहौल है प्याज जरूरी क्योंकि गंदम या गन्ने की फसल तो हाथ लगता है। असर पहले मुँह मिठा करवे हैं, सबसे पहले से मिठाई खवेने भाई को साबिर भाई को ए लैबत है हेड इन पे इन्हें सारी गंदम की कटाई करनी है। मीठा मुंह मीठा करवाते हैं सबका, पहले मुंह मीठा करवाना है। शायद हर कोई था है खोल करी था ये ना ना ये ना 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 पहले साथ ना हाँ उस साथ ये बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह लाइट आ गई है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा गंदम पहले तो पकड़े ना पहले सही हो गया। क्या नहीं अच्छा गया वत्ता मैं को फायदे मैं को फायदे बोलता है चाचा ये मजाक करने का सही गाल है सही आ रहा था सही आ रहा है साबिर तू ना अपने बंदे लड़ाई करवे ना हैं तू सारे लड़ाई करवे ना सने ना हैं लड़ाई नहीं करना अच्छा जी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह कटाई शुरू हो गई है। तो जैसे कि आपको मैंने दिखाया कि जब भी कोई गंदम कटाई शुरू होती है तो हम लोग मिठाई ज़रूर तकसीम करते हैं, दुआ खैर की कराते हैं फिर उसके बाद। लेकिन जब हमारे गन्ने की कटाई होती है ना यहाँ पर, तब
तब सही शुगर मिला होता है। लोग दावतें भी करते हैं, मिठाइयाँ भी तकसीम करते हैं, खासकर जलेबियाँ, क्योंकि सर्दियों का मौसम होता है ना, तो लोग जलेबियाँ बहुत ज़्यादा तकसीम करते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस कटाई शुरू हो गया, दुआ करें बस मौसम ठीक है, मौसम ठीक ही रहे 10-15 दिन में इंशाल्लाह कटाई हमारी फ़ाइनल हो जाएगी। सुन तो यही रहे कि 15 दिन तक मौसम ठीक रहेगा, फिर ईद के बाद जो मौसम आना है कहते हैं बहुत ही बारिशें हैं और तूफानी बारिशें होनी है। तो ये 15-16 दिन है हम किसान भाइयों के पास, तो अपने गंदम वगैरह जो भी है ना मुकम्मल कर लें कटाई उसकी। प्यास लगती है काम करते वक्त, तो सोचा पानी की बाल्टी और पानी, ताज़ा पानी भर के दे दूँ उनको। ट्यूबवेल चल रहा है, वहाँ से ताज़ा पानी भरते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ताज़ा पानी। अब भरेंगे पानी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास गांव में ट्यूबवेल का पानी, घरों का पानी जो नल में आता हमारे साफ प्योर साफ पानी है माशाल्लाह से, यहाँ पे हमें फिल्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, मैं जब जॉब करता था पेप्सी में, तो मेरा जो काम था ना सारा, मतलब जॉब जो डिस्क्रिप्शन थी वो मेरी फील्ड थी, मतलब पूरे पंजाब घूमता था मैं, ये मुल्तान से लेके दीपालपुर उकाड़ा तक चले जाओ ना, वहाँ पर कहीं भी पानी साफ नहीं मिलता, मतलब देही ज़्यादातर जरिए इलाकों में भी पानी ख़राब हो गया वहाँ का, तो वहाँ पे फ़िल्टर लगे होते चक्कों बस्तियों में, लोग बताते थे कि वहाँ पे फ़िल्टर लगते हैं, जरिए पानी भी वहाँ का ख़राब हो गया, आलूदा हो गया। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़िला लिया कि पूरा सत्ता में हमारा बिल्कुल प्योर पानी है, साफ़ पानी है, किसी किस्म की कोई मिलावट वगैरह ऐसी किस्म नहीं है, मतलब किसी जरसीम वगैरह होते हैं पानी ख़राब होता है नहीं है, घरों का जो नल में पानी आता है वो भी बिल्कुल प्योर साफ पानी है, और ये भी माशाल्लाह प्योर साफ पानी। नाले पानी थे कि ना अंदर की दिया वहाँ, चलो मैं थे कि दिया ना, माशाल्लाह अच्छी खासी काट ली है गंदम ने। साबर कितना है? साबर नहीं मारा, चाय का मारा। चाय का वन? चलो अच्छा, एक ही ना मारता, पानी आ गया। चंगी कब की दिया यार माशाल्लाह, हैं? थोड़ी सिन्नी तो होनी है यार, बारिशें चंगी लगी है ना। वालेकुम सलाम, वो काफी मिट्टी ना लांदी पई है, मुंड तो पेंदी पई है। एक ना साबर जी की मिट्टी आंदी पई नाल, मुंड फलकवांदा हां, लेकिन टस ना सी मैं को चस ना सी ना वो चस ना सी। चलो तू सारे ग्रोथ ही हो, बहुत मम गल लिख रहा है।
प्रेशर तो सा होतो जे आ इंशाल्लाह चलो ना चाहे के जिंदगी का सारी जिंदगी सच्चे केड़ी जगह पे जवान मौत है जवान मौत है हाँ जी। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ पे करते हैं एंड, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आज की जो वीडियो थी वो गंदम की कटाई पे थी। तो पहले की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।